सो हेलो एवरीवन गाइस, ये है बजाज हिंदुस्तान शुगर के क्वार्टर वन के रिजल्ट। तो आगे यहाँ पर देखेंगे कि इस शेयर के रिजल्ट्स यहाँ पर कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो अराउंड यहाँ पर 1356.57 करोड़ था, जो क्वार्टरली बेसिस में 1383.72 करोड़ यहाँ पर हो गया है। क्वार्टरली बेसिस में शेयर की इनकम जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, और टोटल एक्सपेंसेस ईयरली बेसिस में 1421 करोड़ था, जो क्वार्टरली बेसिस में 1428 करोड़ यहाँ पर हो गया है। इनकम के साथ साथ शेयर के एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हुए हैं, और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ईयरली बेसिस में यहाँ पर 55.5 करोड़ था, ब्रैकेट में था यानी लॉस में था, जो क्वार्टरली बेसिस में डिक्रीज़ होकर 34.17 करोड़ यहाँ पर हो गया है, ब्रैकेट में यानी कि लॉस में गया है। और अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो वो ईयरली बेसिस में यहाँ पर 0.52 पैसे है, ब्रैकेट में है यानी लॉस में है, जो क्वार्टरली बेसिस में 0.36 पैसे हो गया है, ब्रैकेट में है यानी कि लॉस में है। तो ओवरऑल एनालाइज करने के बाद देख सकते हैं शेयर के रिजल्ट यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वार्टर तक मैक्सिमम टारगेट जो है 45 रुपये के अराउंड तक यहाँ पर जा सकता है, तो होल्ड करके रखना चाहे तो अपने ओन रिस्क में इस शेयर को यहाँ पर जो है आप नेक्स्ट क्वार्टर तक के पर्सपेक्टिव से होल्ड करके फिर सेल भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं, अभी तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से थोड़ा यहाँ पर रिस्क भी है।